बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज हम बनाने लगी हैं आलू के टिक्कियां, और जिसके लिए मैंने ये आलूओं को छील कर उबाल लिया है। और ये एक अदद प्याज, थोड़ी सी बंद गोभी, शिमला मिर्च और सब्ज मिर्च, ये चिकन को मैंने ऐसे थोड़ा सा पका कर पीस लिया है, थोड़ा सा बेसन, सूखा धनिया, ज़ीरा, चेदन मिर्च, कसूरी मेथी, नमक, सुरख मिर्च, और ये थोड़ा सा डालेंगे चाट मसाला, और ये थोड़ा सा बेसन 4 टेबलस्पून। सबसे पहले आलूओं को हम पीस लेते हैं, इस तरह से कर लेते हैं। आलूओं को मैंने अच्छी तरह से ये पीस लिए। अब मैं डालूंगी इसमें ये सुरख मिर्च, नमक, 1 टेबलस्पून नमक है, 1 टेबलस्पून हमारी सुरख मिर्च है, और ये कसूरी मेथी, चेदन मिर्च थोड़ी सी ये डालेंगे हम, ये सूखा धनिया और ज़ीरा ये डाल देंगे। अब थोड़े से डालूंगी इसमें मैं अब प्याज और सब्ज़ मिर्च और प्याज डाल दूंगी थोड़े से मैं इसमें ना, और थोड़ा, और ये 4 टेबलस्पून हमारा बेसन है वो डाल देंगे। अब इसे करेंगे हम मिक्स। अब मैं इसमें डालूंगी ये चिकन डालूंगी, अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे, ये शिमला मिर्च और बंद गोभी ये डालूंगी इसमें मैं। ये 1/2 टेबलस्पून डालूंगी इसमें मैं चाट मसाला। अब इसे करेंगे अच्छी तरह से मिक्स। बंद गोभी, शिमला मिर्च, प्याज, ये सब मैंने, चिकन। रहमान रहीम। अब हम इनको ना बना लेंगे टिक्कियों को अच्छी तरह से। ये देखिए बिल्कुल गोल हासिल तैयार हो चुकी है हमारी टिक्कियाँ। इसी तरह से हम सारी टिक्कियाँ बनाते जाएंगे। ये बिल्कुल गोल कीमा चिकन का, बंद गोभी, प्याज, शिमला मिर्च, आलू, चाट मसाला, नमक, चेदर मिर्च, सुरख मिर्च, गरम मसाला, ज़ीरा पाउडर, सूखा धनिया पाउडर, सब्ज मिर्च, सब कुछ ये आकर मैंने रख लिए ये सारी। अब हम करते हैं घी को गरम और इनको करते हैं फ्राई। ये घी हमारा गरम हो चुका है, अब आप हम इसमें डालते हैं अपनी टिक्कियाँ, इनको करते हैं फ्राई। घी हमारा अच्छी तरह से गरम हो चुका है, लेते हैं हम अच्छी तरह से फ्राई। सारी टिक्कियां अपनी अंडा नहीं लगाया हमने, ये देखें सारी टिक्कियां हमारी, अब इनको निकाल लेंगे और रख लेंगे।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह से टिक्कियाँ हमारी बनकर तैयार हो चुकी हैं। ये देखिए बड़ी लजीज और करारी टिक्कियाँ बनी हैं। ये देखिए बिल्कुल गोल हाथ से मैंने ये बनाई हैं। कोई अंडा, कुछ मैदा, कुछ नहीं लगाया इनको, और बड़ी करारी और टेस्टी बनी है। बच्चों ने चखी हैं, हम तो खाएंगे इफ्तारी के बाद। अगर आप लोगों को हमारी ये रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज़ हमें लाइक और सब्सक्राइब करना। इसमें हमने डाला था 4 टेबलस्पून बेसन, आलू आधा किलो आलू थे, 1 पाव प्याज, 1 पाव हमारा चिकन का कीमा था, और थोड़े से प्याज, थोड़ी सी बंद गोभी, थोड़ी सी शिमला मिर्च, 1 टेबलस्पून नमक, 1 टेबलस्पून सुरख मिर्च, 1 टेबलस्पून चेदड़ मिर्च, 1 टेबलस्पून ज़ीरा पाउडर, 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर, 1 टेबलस्पून गरम मसाला पाउडर, 1 टेबलस्पून चाट मसाला पाउडर, और इन सब से ये बड़ी करारी और टेस्टी हमारी टिक्कियाँ तैयार हुई हैं। अब दें हमें इजाज़त, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह आप लोगों को खुश रखे, आबाद रखे, शाद रखे, हर दुख हर बीमारी से दूर रखे। अल्लाह हाफिज़।